और देखिए आज मैं लगाऊंगी मिसबा के बालों में हीना। ये है मैंने मेहंदी लगाऊंगी आज मिसबा के बालों में, क्योंकि मिसबा भी शादी में जाएगी और उस मेहंदी से जो है बालों में कलर अच्छे से आ जाता है। वो तो कह रही थी कि मेरे ब्लीच लगा दियो, ब्लीच से जो है कलर अच्छा आता है और देखने में भी स्टाइलिश लगते हैं। तो मैंने कहा कि उसमें केमिकल ज़्यादा होता है, आप मेहंदी ही लगवा लीजिएगा। और देखिए मेहंदी लग चुकी है मिसबा के बालों में, और देखिए पन्नियों का कैसा रियूज़ किया है। ग्लव्स मेरे पास नहीं थे तो इसीलिए अपनी हाथों की सेफ्टी रखते हुए मैंने पन्नी का रियूज़ कैसे किया है। और मेहंदी लग चुकी है, अब चलिए ये बच गई है, ये मैं लगाऊंगी अपने बालों में, थोड़ी सी बची कुछ ही मेहंदी। और चलिए चलते हैं गार्डन में हमारे। और देखिए ये हमारा है कमरा और ये है बाहर का ग्राउंड। यहाँ पर ही मैं अपना गार्डन बनाऊंगी, यहाँ पर काम चल रहा है। और देखिए मेरे गार्डन में आज कितना अच्छा, कितना खूबसूरत फूल खिला है, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है कि मेहनत रंग लाती है जब ये अच्छे अच्छे कलर के कलरफुल से फूल देखने को मिलते हैं। और जल्दी ही देखने को मिलेगा मेरे नए गार्डन का सेटअप, क्योंकि मैंने वहाँ पर फर्श लगवा रही हूँ और ग्रीन नेट भी लगवाऊँगी, क्योंकि गर्मियों के दिन आने लगे हैं, गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसीलिए देखिए, बन रही है बिरयानी घर पे, ना खोवा तैयार करने की तो बात ही कुछ और होती है। देखिए कितना ऑयल, ये घी है सब इसमें, ये बहुत ही अच्छा बनता है घर अगर आप तैयार करते हो इस तरीके से, और इसकी बात ही अलग होती है। ये दूध ना 1 kg से थोड़ा सा कम था और ये इतना ही निकला है। वेट तो मैंने नहीं किया, अंदाज़ा ही है, बस ये वाला ये ही निकला है। और इसकी खोए के एक खास बात ये होती है अगर हम घर पे बनाते हैं। और ये है फेशियल किट, क्योंकि मुझे कराना है फेशियल और मिसबा ही करेगी फेशियल, उस पे आते हैं अच्छे से, सभी स्टेप कर लेती है और रोज़ वाटर से करेगी। पहले क्लिंजिंग मिल का यूज़ करेगी, फिर इसमें पाउच में क्रीम आती है उनका, उस पे लिखा हुआ होता है, वो अच्छे से पढ़कर कर लेती है। और ये रोज़ वाटर है, और तो अब हम करते हैं फेशियल करना शुरू। अब बच चुके हैं 3 और मिसबा आज इस ट्यूशन भी नहीं गई है, क्योंकि उसने बालों में मेहंदी लगा रखी है, अभी मेहंदी नहीं सूखी। और तो मुझको बनाना है शाम का खाना, तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से फेशियल। और 4 बज चुके हैं और मिस्त्री लगे हुए हैं, उन्हीं के लिए चाय बना कर दी है, तो मैं अपने लिए भी ले आई हूँ, मैं पीने लगी हूँ अब चाय। अब तक के प्रोसीजर जो है वो शुरू नहीं किया है, सारे पाउच ऐसे ही पड़े हैं। और फेशियल जो है हो चुका है मेरा, फेशियल कर दिया है मिसबा ने, और पैक लगाना बाकी है अभी। और मैंने स्टीम के लिए पानी रख दिया है, एक बर्तन में एक भगोने में पानी रख दिया है, और इसमें डाल दी है फ्रेश लीव गुलाब की। इस तरीके से मेरे पास आपको पता ही है गुलाब रहते हैं फ्रेश, और तो ये कुछ दिन पहले ही लाए थे, तो इनकी फ्रेश लीव थी वो मैंने पानी बॉयल करने रखा है उसी में डाली हैं। और ये लीव्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशबूदार हैं। तो अब मैं स्टीम लेने के बाद पैक लगाऊंगी और फिर देखते हैं क्या होता है। और भाप लेने के लिए देखिए मैंने सेटिंग कर ली है, ये गोल तकिया रखा और उसके ऊपर ये पानी वाला भगोना रखा, और फिर इस टॉवल से ही मैं लूँगी भाप।
बड़ी सावधानी से लेना है आपको भाप, ज़्यादा गर्म उबलता हुआ पानी नहीं लेना है, नॉर्मल सा ही लेना है, ताकि जो आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके। तो टेम्परेचर आपको देख लेना है इस तरीके से, तो ये नॉर्मल हो गया है। तो अब लेते हैं भाप और फिर लगाते हैं पैक। और भाप भी ले ली है, भाप हमें 5 से 7 मिनट तक ही लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए वरना हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है। और कम से कम हमें हफ्ते में एक बार तो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो त्वचा होती है उसमें धूल मिट्टी जमी रहती है, और जो हमारी स्किन में रोम छेद होते हैं वो भाप से खुल जाते हैं, और हमारी त्वचा साफ़ सुथरी खिली खिली रहती है। हमें कम से कम हफ्ते में या एक 2 हफ्ते में तो ज़रूर लेनी चाहिए, और पैक वगैरह लगाते रहना चाहिए। हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए सेहत के साथ साथ।